तो अब टनल में एंट्री हो रही है भाई हमारी ना। तो अपना कैंप सेटअप हो गया भाई और ये अपनी चेयर वगैरह लगा दी हमने। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका केपीएल एक्सप्लोर में। कैसे हो भाई सारे? तो भाई अपनी सुबह कुछ ऐसी हुई है, सामने का नज़ारा देखो सबसे पहले। तो भाई नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और भाई अभी फ़िलहाल रोहित और नितिन भाई अभी नहाने जा रहे थे, तो वो यहाँ पे नहा के तो बोले हम नदी में नहाएंगे। तो एक बारी आपको दिखाता हूँ मैं वो कहाँ नहाने वाले हैं, चलिए चलते हैं। तो ये भाई यहाँ से नदी का रास्ता जा रहा है पीछे की तरफ। भाई क्या लोकेशन है ना, यहाँ देखो एक नंबर का फ़ोटो शूट होएगा यहाँ पे ना। भाई नदी का पानी देखो यार कितना फ्लो कर रहा है ना। तो यार रात को एक नंबर की नींद आई भाई, और 12:30 बजे के आसपास मैं तो हाथ के साथ सो गया था। तो बाद में इन्होंने खाना वाना खा के ये भी थोड़ी देर बाद सो गए थे। तो भाई अभी टाइम हुआ है मेरे ख्याल में 9 बज गए होंगे भाई शायद। अरे क्या हो गया ना लेना देखे रोहित पहुंच गया आगे। रोहित जल्दी ना, बहुत ठंडा पानी है। जब तो तू बहुत जोश में आया यूं बोला कि मैं यहीं पे आके नहाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, यहाँ के माइनस में यहाँ के सारे के सारे वो ढीले हो गए नखरे इसके। तू कह रहा अब ना नारा मैं नहाएगा ना, पक्की बात है भाई ना ले यार, लेट हो रही है, वहीं रख दे पत्थर के ऊपर। ये भाई दोनों के दोनों देखो इनका मन नहीं कर रहा इस टाइम नहाने का, और ये उस टाइम तो जोश जोश में आ गए कि हम नदी में नहाएंगे नदी में नहाएंगे। मैं तो भाई अपना वहीं पे ही जो बाथरूम था मैं तो वहीं नहा लिया अपने, और अब इनको लग रहा है डर इसमें ठंडा ही पानी इतना है यार बहुत ज़्यादा। ये तो कम फ्लो कर रही है, वो आगे वाली तो बहुत ज़्यादा फ्लो कर रही है नदी। तो भाई इन लोगों का जोश एकदम ठंडा हो चुका है और ये बिल्कुल नहीं नहाएंगे ना नहाए ना भाई, इतना ठंडा पानी है पैर चला इसमें सुन होगा पैर यार है? क्या हो गया अब? मैं तो कह रहा था वहाँ नहा लो तुम, जब तो तुम भी तुम जोश में ये हम यहीं नहाएंगे नदी में नहाएंगे, चलो 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 ठंडा है? पानी है हम यहाँ तक नहाने तो आए। अच्छा तो बाथरूम में नहा लिया भाई, मैं बढ़िया है ना नहा लिया, मेरे को पता था इतना ठंडा पानी है, पता है हम वहीं नहा लेते हैं। मैं तो वहीं नहा लिया भाई, बहुत बढ़िया था। 4 किलोमीटर का कम यहाँ नदी। तो भाई चलते हैं वापस ठीक है, और ये अब वहीं आएंगे और फिर उसके बाद भाई पैकिंग वैकिंग करके यहाँ से जल्दी निकलते हैं, क्योंकि यार 9 बज चुके हैं, हमें आगे भी निकलना है क्योंकि अटल टनल ना भाई हम पहले आए थे तो वो 2 बजे से पहले पार करनी होती है। अब के रूल पता नहीं क्या है, तो पहले यहाँ से सबसे पहले पैकिंग करके यहाँ से निकलते हैं यार। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हमने, तो कॉफ़ी वगैरह बनाएंगे। तो चलिए एक बारी उधर चलते हैं टेंट में। भाई क्या बना रहे हो? चीज़ी पास्ता। चीज़ी पास्ता कौन से है? ये यप्पी के है ना? तो भाई यप्पी के हमारे बड़े चीज़ी पास्ता, हम खा रहे हैं अभी पास्ता। पास्ता कुछ ऐसा बना है ठीक है, और भाई बढ़िया टेस्ट आ रहा है इसका, सही आ रहा है टेस्ट, बढ़िया एक नंबर। सही टेस्ट है इसका चीज़ी पास्ते का। तो 10 बज चुके हैं और यहाँ का मौसम देखो यार कितना प्यारा हो रहा है ना। और उसके बाद भाई हमने गाड़ी कॉल स्टार्ट कर दी है, अब यहाँ से निकलते हैं, सारा सामान सेट कर दिया है। ये देखो इस तरफ पूरा सामान भरा पड़ा है, डिग्गी भी फुल हो चुकी है, गाड़ी यार बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, पर कोई नहीं। अभी फ़िलहाल मैंने थोड़े से मैट तो साफ़ कर दिए इसके ताकि बैठने लायक तो हो जाए, शीशा गंदा हो रहा है, शीशे पे थोड़ा कपड़ा मार देते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं भाई। यार रात को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला एडिट करने का, 12:30 बज चुके थे और सुबह भी यार लेट आग खुली, तो यार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो सुबह भी बिल्कुल ऐसे ही हो गया, नहा धो के निकल लिए क्योंकि बारिश वारिश आ गई थी। तो फिलहाल मैंने हेडफोन लगाए हुए हैं, मैं कर रहा हूँ एडिटिंग, और ये जैसे एडिटिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो अभी फ़िलहाल का मौसम देखो यार, एक पानी की बोतल लेने के लिए रुके थे, तो फिलहाल का मौसम देख लो यार कितना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है ना यार, ये देखो। और यहाँ पे ना पैराग्लाइडिंग भी होती है, ये वही जगह है जहाँ पे आपने अगर मेरी मनाली की पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो, मैं आई बटन पे लगा दूंगा, आप ऊपर शो हो रही होगी आपको। तो यहाँ पे देखो पैराग्लाइडिंग होती है, सामने देख लो हो रही है। तो अभी हम निकल लिए भाई मनाली, मेरे ख्याल में पहुंच जाएंगे हम 1:30 से 1.25 घंटे में मनाली, और भाई सीधे मनाली ना रुक के हम सीधे भाई, आज हमें ना अटल टनल पार करनी है क्योंकि वो पार करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बंद हो जाती है 2 बजे बताते बंद हो जाती है। तो चलते हैं दोस्तों।
तो यार फाइनली अब अटल टनल आने वाली है यार, 2 किलोमीटर के आसपास रह गई है। तो यार क्या मस्त मौसम हो रहा है ना, देखो यार क्या नज़ारे हैं भाई, क्या नज़ारे हैं देखो। यहाँ पे भाई एक बारी शायद अटल टनल पे चेकिंग करते हैं ये। तो अब टनल में एंट्री हो रही है भाई हमारी ना। तो दोस्तों ये साउथ पोर्टल हमारी। पिछली बार भाई बिल्कुल नज़ारे चेंज हो गए थे, बिल्कुल वाइट हो गया था। तो अब की बार देखेंगे क्या सीन होगा, मतलब जैसे टनल पार होगी, क्योंकि ये इधर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट लगता है और टनल पार करने के साथ स्पीति वैली लग जाती है, पूरा स्पीति लाहौल का पूरा इलाका लग जाता है। तो अभी यहाँ पे 40 की स्पीड अलाउ है, 8.5 किलोमीटर यहाँ से टनल है, टोटल 9.5 किलोमीटर के आसपास ये टनल है। तो 1 किलोमीटर के आसपास हम आ चुके हैं। तो टनल का दूसरा छोर आ गया है, अब बिल्कुल नज़ारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ तो धूप है, यहाँ धूप आ रही है, वाओ। तो यार दोस्तों हम ना अभी अटल टनल के दूसरे साइड पे आ गए हैं, नॉर्थ पोर्टल पे। और भाई हवा इतनी तेज चल रही है, पता नहीं आपको सुनाई दे रही है नहीं दे रही है, माइक मैंने हाथ में पकड़ लिया है। और ये देखो इधर के नज़ारे, यहाँ के नज़ारे देखो यार क्या, मतलब हम जब जनवरी में आए थे ना तो सारे नज़ारे चेंज हो गए थे, बिल्कुल वाइट था, अभी बिल्कुल इधर की साइड पूरा ग्रीन है। ये नॉर्थ पोर्टल है, हाँ इधर क्लाउडी हो रहा है ना, ऊपर की तरफ क्लाउडी हो रहा है पूरा का पूरा। और उस तरफ ना यार बारिश आ रही थी, और अभी यहाँ पे बारिश नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ना धूप निकली हुई है, बहुत तेज धूप निकली हुई है। तो बिल्कुल और ठंडी हवा चल रही है भाई, बिल्कुल ठंडी। और ये नदी देखो, नदी का पानी देखो कैसा है भाई, हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है ना, मौसम ही चेंज हो गया है, मौसम ही चेंज हो गया, वहां की बारिश आ रही थी, हाँ यहाँ तो एकदम सारा मौसम चेंज हो गया। तो यहाँ पे 2-4 मिनट हम रुकेंगे और उसके बाद अब भाई टाइम काफी हो गया, टाइम हो गया, 1 बज चुका है ये देखो। तो यहाँ से सीधा हम निकलेंगे और आज जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि आगे आज हमें ना कैंप लगाना है। तो 5 या 6 बजे के आसपास हम रुक जाएंगे, जहाँ पे भी मतलब 5-6 बज गए तो वहाँ पे हम अपना कैंप लगा लेंगे आज। तो कैंप की जगह भी ढूंढेंगे आगे, तो अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं। तो भाई जो पिछली बार हम रुके थे ना सैन होम स्टे, तो ये था वो, यहाँ पे हम रुके थे पिछली बार सैन होम स्टे पे। तो भाई बढ़िया है सैन होम स्टे। तो अब हम जा रहे हैं इससे आगे, इतनी बर्फ थी उस टाइम पे यहाँ पे। कहाँ लगती है, कहाँ है तुम्हारा खेत? खट्टी है मीठी है, चेक कर लो एक। फिलहाल भाई हम टांडी पहुंचने वाले, टांडी यहाँ से 4 किलोमीटर बचता है। और भाई हमने यहाँ से ली थी स्ट्रॉबेरी, भाई छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी है, फ्रेश है बिल्कुल, इतनी टेस्टी है ना, इतनी मीठी है भाई। ये देखो पूरा डब्बा लिया था हमने, आधा खाली कर दिया अभी भी, और मस्त है मतलब यार ना ये बिल्कुल फ्रेश तोड़ के लाते हैं। और रोड साइड ये देख लो, हमारे वहाँ आती है ना वो बड़ी बड़ी आती है स्ट्रॉबेरी, और इतना मज़ा भी नहीं आता यार, ठीक है। और यहाँ पर नदी का फ्लो देखो यार कितना तेज़ है, देखो ये देखो नदी का फ्लो कितना तेज़ है। तो लद्दाख रूट पे जाते टाइम भाई टांडी से 2 किलोमीटर पहले है हम अभी, और ये भाई लास्ट पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है यहाँ पे, ये लास्ट है लद्दाख जाते टाइम। तो फिलहाल हमारे पीछे देखो कितनी सारी गाड़ियाँ लग गई हैं,
तो यहीं से पेट्रोल भरवा के सारी गाड़ियां लद्दाख के लिए निकलती है, क्योंकि इससे आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है भाई। तो हम भी यहाँ पे अपनी टंकी फुल करवा लेते हैं, बाकी अभी 3 डंडे हमारे कम हुए हैं, बाकी ज़्यादा कम नहीं हुए, अभी एवरेज दिखा रही है भाई 20 की, तो पता नहीं 20 की दे रही है कितनी दे रही है, बाकी फ़िलहाल 20 की एवरेज ही दिखा रही है पेट्रोल में। और ये लास्ट पेट्रोल पंप है, आप ध्यान रखना टांडी से 2 किलोमीटर पहले आता है ये, उसके बाद टांडी ब्रिज आता है। तो आज हम शायद स्टे देखते हैं कहाँ पे करेंगे, हम जिसपा करेंगे या कहाँ करेंगे, तो वो आपको मैं आगे बताऊँगा। तो फिलहाल यहाँ से पेट्रोल भरवा लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं भाई। अभी भाई टांडी ब्रिज आ गया है, ये टांडी ब्रिज है, केलोंग 7 किलोमीटर है, दारचा यहाँ से 36 किलोमीटर है, जिसपा पता नहीं, जिसपा नहीं देखा हमने कितना है यहाँ से, केलोंग से आ गया जिसपा, देखते हैं जिसपा करेंगे या कहाँ करेंगे स्टे, एक उससे ऊपर और गांव है वो देखते हैं वहाँ पे, काफ़ी ना हाई एलिवेशन हो जाता है तो देखते हैं यार प्रॉब्लम ना हो जाए रात, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दिन में वैसे कितनी गर्मी हो रात को ठंड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भाई बिल्कुल नेचुरल वाटर है, देख लो अपना मयूर जग भर रहे हैं हम यहाँ से, जिसपा में रुक गए हैं भाई, मौसम हो रहा है खराब, बारिश का मौसम हो रहा है और बारिश के भी चांसेस है, तो पहले यार हमने ना यहाँ पे रोक दी, कैंप साइट है एक, तो हमने यहाँ पे परमिशन ले लिया भाई, अपना कैंप हम इस पे लगाएंगे, इस सरफेस पे, तो ये प्लेन है और पानी भी नहीं रुकेगा, पानी निकल जाएगा, थोड़ा सा फ़ायदा ये हो जाएगा, कच्चे में लगाएंगे टेंट भीग जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ पे अपना टेंट लगाते हैं और आज भाई पूरे मज़े करेंगे, ठीक है ढंग से अपना खाना वाना यहीं बनाने वाले हैं, अगर रोटी की ज़रूरत पड़ी तो भाई इससे ले लेंगे यहाँ से, और फिलहाल हम टेंट अपने यहाँ पे लगाएंगे। तो भाई फिलहाल टेंट लगा लेते हैं एक बार, उसके बाद मिलते हैं आपसे, और ये सामान देखो हमारा कैसे ऊपर तक भरा पड़ा है पूरा, और ये देखो इस साइड से देखो आप पूरा सामान है यार, पूरा ओवरलोड है बड़ी गाड़ी पूरी। तो भाई फिलहाल मैंने यहाँ पे अपना कैमरा सेट कर दिया है ट्राईपॉड लगा के, और अपना गाड़ी में से सामान निकालते हैं और सीधा अपना यहाँ पे कैंप लगाते हैं। तो अपना कैंप सेटअप हो गया भाई, और ये अपनी चेयर वगैरह लगा दी हमने और अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है, तो कैंप वगैरह सेटअप हो गया है, अभी सारा सामान उतारते हैं, सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है, ये देखो पूरा का पूरा सामान देखो यार कैसे फैला हुआ है, तो बाकी हम वहाँ से यार हमने रखे थे ना ये सारा सामान ले लिया था, ये दूध है मतलब इलायची मिल्क है और फ्लेवर वाले, ये लस्सी है, ठीक है, तो इसमें मैगी वगैरह है, सारी चीज़ें हैं, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो फिलहाल गद्दे वद्दे सेट कर लेते हैं, अपना सारा सामान रखते हैं। कॉफी की तैयारी हो रही है भाई, कितनी चीनी डाल दे रही है इसमें? 6 चम्मच। और भाई ये दूध मिल गया था हमें, टेट्रा पैक है ये भाई, इसकी दिसंबर 22 तक की वैलिडिटी है, और भाई ये वाले जो बर्तन है ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, ऐसा कुछ नजारा है भाई यहाँ से, सामने बर्फ की पहाड़ी है ये देख लो, और भाई बहुत जबरदस्त हवा चल रही है इस टाइम, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ये जब बर्फ गिरती है ना भाई बिल्कुल वाइट हो जाते हैं, बिल्कुल वाइट, और अपनी धनो ये खड़ी है, गंदी हो रही है धनो। तो टेंट के अंदर आ चुके हैं, बाहर आ रही है भाई बारिश हल्की हल्की, तो ऊपर मैंने एलईडी बल्ब लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, और ये पावर बैंक से चल जाएगा, तो अपना चूल्हा टेबल सब भाई सामान हम अंदर ले आए अपना, और अभी अपने फ़ोन वोन चार्जिंग पे लगा लेते हैं, सबसे पहले भाई अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ मैं, और थोड़ी एडिटिंग करके, एडिटिंग उसमें बाकी है। टेंट कैसा लगा तेने? टेंट तो बढ़िया है, बढ़िया है ना, हवा ना लग रही है ना 1% भी, बिल्कुल भी ना लगे, बबका हो जाएगा, ठीक है, और ये भाई एडिटिंग कर रहा है अपनी लीड लगा के। तो भाई फिलहाल अंधेरा हो गया भाई, और हमने देखो कपड़े यहाँ सुखा दिए यार, तो फिलहाल रोहित कर रहा है एडिटिंग, तो यहाँ पे चल रही है भाई आमलेट की तैयारी, बढ़िया चौंकों को लगा के,
ये भाई सही रहा, हम अपना बढ़िया सेटअप लिया है, एक मिनट में चालू हो जाता है। तो फिलहाल दोस्तों हो गया सोने का टाइम भाई, और ये दोनों भाई यहाँ लेट गए आराम से, ये देखो तो कैसे पड़े हैं। और भाई मैंने अपना ये कंबल बना लिया इसका, स्लीपिंग बैग का, ये पूरी चैन खुल के ना बन जाता है। अपने भाई गैजेट्स हमारे सारे यहीं अंदर ही है, गाड़ी हमने लॉक कर दी है बाहर। तो फिलहाल ये भाई लैपटॉप वगैरह सारे यहीं पर है, कैमरे वगैरह सारे यहीं पर डाल रखे हमने। तो भाई आज की वीडियो आपको कैसी लगी यार ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही, सुबह मिलते हैं दोस्तों, गुड नाइट, जय हिंद।